परिभाषित करें तो उन्होंने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक शब्द है, अब वो ये है कि लोक जो है वो एक वाक केंद्रित परंपरा का नाम। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मैं अपने अनुभव से भी जानता हूं, मैंने 30-35 साल लोक के क्षेत्र में काम किया है, तो जो जो समझ में आया उसमें आपकी बात मुझे सही लग रही। फिर मैं सोचता ही चला गया और अंत में जो कुछ मेरे हाथ आया उसको मैं कुछ सभाओं में निवेदित कर चुका हूं। आज जरूरी होने के कारण इसको फिर से एक बार आपके सामने कहता हूं कि भारत की चेतना में लोक का जो विस्तार है वो शतमात्रिकाओं में है। इसको बहुत ठीक से भारत और भारतीय लोक परंपरा को समझने के लिए हमें ग्रहण करना चाहिए। हमारी पहली लोक मातृका है धरती माता, धरती मां। सब जन्म लेते हैं, एक जीवन जीते हैं और एक दिन इस पृथ्वी से विदा होते हैं। सब इसे विपोषित करती है, जीवन देने वाली मां की तरह पालती है। एक असमाप्त अध्याय है उनको समझने का, पहली मातृका धरती माता, दूसरी मातृका लोक में प्रकृति माता, चारों तरफ से घेरे हुए जो अपरा प्रकृति है, तत्वपूर्ण प्रकृति है, भौतिक प्रकृति है, पंच तत्वों से बनी हुई है, तीन गुणों से बनी हुई है, निर्मित है, तुम भी उसी का हिस्सा, हम भी उसी से बने, वही पांच तत्व, वही तीन गुण जिनसे ये सारी प्रकृति बनी है। तो जो पहला सूत्र मैंने कहा था कि दरअसल जुड़ा हुआ है सब कुछ, सारी समष्टि जुड़ी हुई है प्रकृति से अपने को। इस तरह भारतीय लोक ने एकाकार किया, एकाकार कर दिया, उसको प्रणाम किया एक माता की तरह। तीसरी मातृका लोक लोक के पास है वह नदी। माता का की तरह का कोई गुण नहीं, मान सभ्यताओं का उन्नयन और पराभव उनके किनारे शताब्दियों शताब्दियों से गुजारा, वे सबकी गवाह है, वे अर्मिस बहती हैं। जब हम सुख की नींद में सो रहे होते हैं तब भी वे अपना कार्य जारी रखती हैं, सभ्यता निर्माण करती हैं, उनमें भी माता की तरह एक अद्भुत गुण। स्त्री माता, हम सब अनुग्रहित, हमारा जन्म संभव करने वाली पांचवी माता हमने, और ये इसका उल्लेख करना इसलिए जरूरी लग रहा है कि अनावश्यक ही इस देश में एक विवाद खड़ा कर दिया है लोगों ने, गाय माता का है और किसी प्राणी को नहीं कहा। उस पूरी परंपरा ने अपनी साधना में ये जाना कि दरअसल एक पूरी प्राणिक सत्ता, जलचर, थलचर, नभचर, उनसे तुम्हारा जीवन संभव हो रहा है। उनमें एक प्राणी है गाय, जो दिव्यता के रूपक की तरह तुम्हारे पास है, अद्भुत माता के बाद उनका दूध ही तुमको पुष्ट करता है। उनमें एक गुण है, पूजा करना उसकी, सम्मान करना उसका। इस संसार में हर प्राणी का मांस खाने की बुभुक्ष जिन लोगों में है वे ठीक से समझ लें, नष्ट हो जाएंगे। माता का गुण देखा था उसने, इसलिए प्रणाम किया। आपको दिलीप की कथा याद होगी, राजा दिलीप की कथा नंदिनी के लिए क्या किया। मैं ऐसे ऐसे पुण्य को धारण करने वाले जो महान लोग हैं उनके कुल में मर्यादा के पुरुषोत्तम आते हैं। और आखिरी मातृका षट मातृकाओं में भाषा माता, एक भाषा जिसको आपने मातृभाषा कहा, उसकी ना कोई पाठशाला है, ना कोई ग्रामर है, ना कोई स्कूल है, ना कोई शिक्षक है, ना कोई पुस्तक है, और इस धरती का हर आदमी एक भाषा बोलता है, उसको वो अपनी मातृभाषा कहता है। ये वाक्य की जो शक्ति है ये जीवन के साथ ही आती है। बाकी आप भाषाएं जो जीवन में सीखते रहते हैं वो सवाल उनके स्तर रहते हैं, विचेतना में उतनी गहराई तक नहीं जाती है। इसीलिए तो
जर्मनी के नए मनोवैज्ञानिक शोध में कहा है कि अगर कोई आदमी कोमा में चला गया है और चिकित्सा से वो कोई उम्मीद अब नहीं बची है, वो करीब करीब आखिरी चरण में है, तो एक काम करना, एक प्रयोग करना, उसके कान के पास उसकी मातृभाषा का शब्द जो है उसका लगातार उच्चारण करना, और अगर 1% भी निश्चेतना से बाहर आने की संभावना बची होगी, वो मातृभाषा का शब्द सुनकर वापस आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इस संसार की कोई भी औषधि फिर से उसको चेतना में लौट नहीं सकती है। इतनी गहरी जाती है मातृभाषा हमारे अस्तित्व में, इतनी गहरी जाती है। इन 60 मातृकाओं में भारत का लोक जो है वो विस्तारित है, उसका बोध विस्तारित है, उसकी चेतना विस्तारित है। अब कुछ लोग जो है जैसे आधुनिकता के पक्ष एक विमर्श खड़ा करते परंपरा के लिए, और वो लोग दुख होता है ये देख के, ऐसे लोग जिनमें अपनी आधुनिकता रची ही, जिनने पश्चिमीकरण को ही भारत की आधुनिकता बना दिया, वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, वो तुलना करते हैं, वो पिछड़ा हुआ कहते हैं, वो कई गुजरी चीज समझते हैं। क्या विडंबना भारत के भाग्य में। ये जो उधारी के आधुनिक शब्द में कहता हूं तो गलत नहीं क्या? एक विमर्श खड़ा होता है भारत में शास्त्र के वृक्ष, जैसे लोक की एक परंपरा अलग है, शास्त्र की एक परंपरा अलग है, क्या ये सच है? ये तो सच नहीं। हमें इस सत्य को ठीक से समझना चाहिए। परम चेतना में साधना की जो ज्ञान प्रकाश रूप में उद्भूत होता है, प्रकाशित होता है, वो सबके उत्तराधिकार की तरह सबकी चेतना में व्याप्त हो जाता है, वो सबका होता है। फिर उसको मिटाने का कोई उपाय नहीं। इस अर्थ में एक बिना पढ़ा लिखा भारतीय जो है भारतीयता के सार को और ज्ञान के सार को जानता, वो पाप और पुण्य के बीच के अंतर को जानता है, वो अच्छाई और बुराई के अंतर को जानता है, वो करणी और अकरणी के बीच के अंतर को जानता है। वो जानता है कि बिना उद्यम के उसको किसी भी तरह की संपदा चाहिए, बिना उद्यम के जो लक्ष्मी तुम्हारे पास आएगी वो उत्पाद पहुंचा देगी तुम्हारे जीवन में, राष्ट्र के जीवन में उद्यमी होना पड़ता है, लक्ष्मी के लिए उद्यमी होना पड़ता है। वो जानता है। लोक का जो आदमी है बिना पढ़ा लिखा होकर ज्ञान की एक विरासत को दरअसल अपने जीवन में जीता, जीवन में जीना कोई और बात है, विचार की तरह बौद्धिक हो जाना एक और बात है। जो कुछ भी ज्ञान है उसको जीवन में विन्यस्त करो, ये भारत की कीमिया है, भारत का ज्ञान बचा। इसीलिए जिन बर्बरों ने हम पे हमला किया पिछली सदियों में, बहुत कुछ नष्ट कर दिया, उनने संस्कृति की ऊपरी भौतिक परत को तहस नहस कर डाला, लेकिन वे समझ नहीं पाए तो वो फिर खड़ा हो गया, और फिर खड़ा हो गया, क्योंकि उसका जो ज्ञानात्मक बीज था उसको नष्ट करने का कोई उपाय नहीं था, वो शस्त्रों से नहीं होता, उससे बड़ा ज्ञान हुआ था तो ही उसका मुकाबला किया जा सकता। ये तो संभव नहीं था कि तलवारें लेके आप ज्ञान से लड़ गया लोगों के सिर काट दोगे, लोगों की चेतना का क्या करोगे, ये संभव नहीं। हर बर्बरता इस देश ने झेल ली, सभ्यता का विरूपीकरण बहुत भौतिक सतह पर हुआ, लेकिन उसका जो आत्मचेतस रूप था और उसका जो ज्ञानात्मक आधार था, उसके पास एक ऐसी शक्ति है कि लड़ने के लिए सामने कोई ज्ञान ही नहीं था। पराभूत कैसे, पराभूत करने ग्रीक नॉलेज से करेंगे, रोमन नॉलेज से करेंगे, चाइनीज नॉलेज से करेंगे, इजिप्शियन नॉलेज से करेंगे, कैसे करेंगे, ये संभव नहीं है। तो उसमें एक अंतर्निहित शक्ति है, तो उसकी
उसकी भौतिक परत को आप कितनी भी बार नष्ट कर दें, वो अपनी पुनर्रचना उस आधार पर फिर से कर लेती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं मित्रों, भारत में संस्कृति की जो रचना है वो रचना एक ज्ञानात्मक आधार पर की गई है। यही वो सूत्र है जिसके आधार पर इतने बड़े महादेश में इतने तरह की क्षेत्रीय संस्कृतियों, इतने तरह की भाषाओं, इतने तरह के उद्यमों, इतने तरह की विविधता के बीच में वो एक सूत्र की तरह कोई, लेकिन जो दुष्टता है वो इसको विविधता के देश के रूप में परिभाषित करती है, जैसे इसको सूत्र में बांधने वाली कोई चीज है ही। हमें उस सूत्र की बात करनी। विविधता की बात तो भारत आजादी के बाद से 75 साल से कर रहा है। भाषा अलग, इनकी भाषा अलग, ये क्षेत्र अलग, ये जाति अलग, ये धर्म अलग। सूत्र की बात, पुष्पों की एक माला होती है तो पुष्प अलग अलग रंग के, अलग अलग सुभाष के हो सकते हैं। सूत्र अलग होता है क्या? वो ज्ञानात्मक, बोधात्मक, चेतनात्मक सूत्र, वो अलग नहीं है। और लोक के संदर्भ में ये फिर अगला बीज लेते हैं, वो ये है कि इस पर जरा विचार करें कि जो भारत का लोक जीवन है, कभी राज्य की तरफ देखा उसने? वो शैडो ऑफ स्टेट के भीतर कभी नहीं था। भारत के ग्राम्य क्षेत्रों में आप चले जाइए, कौन सी पुलिस, कौन से बल, कौन से खाने, कौन सी सेना, कौन से जेल, कौन से कानून वहां चलते हैं? वे अपनी स्व मर्यादा में जीने की वो मर्यादा मैंने खुद रची, क्योंकि मेरे मर्यादा के पुरुषोत्तम ने अपने आचरण से मुझे उसकी दीक्षा दी। जो स्वानुशासन में है उनके लिए संहिताओं की जरूरत नहीं, और जिनके जीवन में कम से कम राज्य है वे अपनी मौलिकता में होते। हम जो नागर समाजों में रहने वाले लोग हैं, एक घंटे के लिए भी अगर राज्य अपने आप को बिठा कर ले तो हम एक अराजक आदमी में बदल जाएंगे। इसको समझ लेना बहुत ठीक से। एक बार मैं कहीं विवरण पढ़ रहा था कि न्यूयॉर्क में एक घंटे के लिए बिजली चली गई, अंधेरा हो गया अचानक। ऐसा कभी वहां होता नहीं, बहुत बड़ा स्टेट, 10 गुना अपराध उसे एक घंटे के भीतर। ये हम लोगों की वास्तविकता है इन शहरों में। कैसे करेंगे इसको? बड़ा जटिल काम है। अपनी स्वामर्यादा होना। एक बड़ा सुंदर वैदिक शब्द ऋग, ऋग्वेद में आया है। इसका आंतरिक अर्थ है अस्तित्व में समाहित, अस्तित्व को संचालित करने वाले महानियम। इसको कोई संचालित नहीं कर रहा, उसके अंतर्गत जो महानियम है वो ही अस्तित्व को संचालित कर रहा है। एक क्षण की भूल चूक के बिना ये जीवन, ये पूरा अस्तित्व टिका हुआ है अपनी स्व मर्यादा में और अपने स्वधर्म में। बहुत ठीक से समझे, रिक्तता मेरे पास एक ही अर्थ, जो अपने स्वधर्म में है और अपनी स्व मर्यादा में। हमने नारायण के अवतारी राम को मर्यादा का पुरुषोत्तम कहा है। कौन सी मर्यादा, किस मर्यादा के पुरुषोत्तम? वो मर्यादा जो हमारे समाज ने रच दी, कसौटियां बना दी, और फिर हम पुरुषोत्तम के ऊपर उनको लागू करते हैं। मर्यादा के पुरुषोत्तम के ऊपर कि हमारी बनाई संहिता, हमारी बनाई नैतिकता, हमारा बनाया मूल्य, इस पर खड़े उतर के बताओ तो हम मान लेंगे कि तुम मर्यादा के पुरुषोत्तम हो। हाय करते हो, दिमाग क्या है? समझते कि मर्यादा के पुरुषोत्तम नारायण की अवतारी हो गया है, और उनने एक बार हम लोगों को यह बताया कि अपनी स्व मर्यादा में जो लोग होते हैं उनको राज्य की जरूरत नहीं, कम से कम राज्य चाहिए। कभी राज्य ने लोक परंपराओं का वित्त पोषण नहीं किया, वे स्वयं निर्भर थे,
बड़े ही स्वाभिमानी थे। और कमाल की बात यह है कि ऐसा करते हुए भी बहुत विनम्र थे, उन्होंने कभी जानने का दम नहीं किया, कभी किया कि वे कुछ जानते। हालांकि मैं जानता हूं बहुत लंबे समय उनके पास रहते, क्योंकि मैं उन समाज में जीने वाले लोगों की चुप्पी भी पढ़ लेता हूं। मैं जानता हूं कि वे कितना जानते हैं। जिन लोगों को भी जानने का दम्भ है, वो जरा महीने भर का समय किसी एक जनजातीय समुदाय के सानिध्य में गुजार, एक लोक समाज के पास आए और आपको पता चलेगा कि आप कितना जानते हैं। और जिनके सानिध्य में रह के आपको पता चलेगा कि वे कितना जानते हैं, वे कभी कहते नहीं, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं कि अलग से कोई चीज है जो मैंने जान ली है और दुनिया ने नहीं जानी। तो ज्ञानी एकदम बैठे ही रहते हैं कि कब अवसर मिले, उद्घोषणा करते हुए निकल जाए जान लिया। तभी ऐसी और एक बात, सूत्र की तरह ही इसको कहता हूं, बीज की तरह ही, ये जो आधुनिक जीवन की तथाकथित विडंबना हम लोगों के आसपास फैल गई, मैं इस पर बहुत बहुत समय तक सोचता रहा और मैं इस नतीजे पे आया, जो समाज और उसमें रहने जीने वाले लोग रचने के आनंद से वंचित हैं, वे कभी सुखी नहीं हो सकते, यह संभव नहीं। लोक समाज में जी रहा आदमी अपने से ही इतना तृप्त और आनंदित था, अपने होने में इतना आनंदित था, उसकी जीवन से अतिरिक्त कोई मांग नहीं थी, इसलिए नहीं थी कि वो रचने के आनंद से भरा हुआ था। आप जरा विचार करें, हम शहरों में जीने वाले लोग क्या रचे हैं, और वे समाज कैसे होते हैं जिनसे रचना के अवसर छीन लिए जाते हैं। आप तरक्त नहीं हो सकते रचे बगैर, परमात्मा ने और प्रकृति ने हर मनुष्य अनूठा बनाया है, विशिष्ट बनाया है, अलग क्षमता देकर भेजा, उसको रचना ही होगा। और अगर इसका अवसर जीवन नहीं दे रहा, जीवन भारी तनाव से भर जाएगा, कभी जीवन सार्थकता का अनुभव नहीं करेगा, वो सफलता के पीछे दौड़ लगा देगा। और यही रचना में देख रहे, हर कीमत पे सफल, हर हालत में सफल, कितने हजार लोगों को रोनना पड़ता है इसका कोई मूल्य नहीं है। ऐसे समाज बनेगा, रचना से वंचित किया अगर किसी समुदाय को, तो वो जैसा समाज बनेगा वो बन गया है हमारी हमारी सही रचना। ये लोक रचना में नहीं, लोक रचना में मैंने नहीं देखा। अब हम थोड़ा सा एक बीज की तरह धर्म और धार्मिकता पर विचार कर लें। लोक में रहने जीने वाला आदमी जो है वो संगठित धर्मों के भीतर है या एक सच्ची धार्मिकता में, एक वास्तविक आध्यात्मिकता में, और जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। रोज मंदिर जाने वाला आदमी, रोज प्रार्थना करने वाला आदमी, रोज पूजा करने वाला आदमी एक वास्तविक धार्मिकता में ना, वो किसी आध्यात्मिक अनुभव के बिना एक दिनचर्या की तरह, एक दैनंदिनी की तरह उसको कर रहा, उससे कुछ नहीं होता। ये जो साप्ताहिक धर्म बना दिए हैं प्रार्थना करने की, दुनिया में क्या होना है, तंत्र खड़े हो रहे हैं, व्यवस्थाएं खड़ी हो रही है ना, इनके विराट महंत है, एक हायरार्की बन रही है, धर्म तो कुछ नहीं। लोक समाज का एक आदमी अपने खेत में जाने के पहले अपने खेत को, उसकी मिट्टी को सिर से लगाता, माथे से लगाता, प्रणाम करता है, हो गया मंदिर, अलग से क्या मंदिर। उसके द्वार से कभी कोई आदमी भूखा नहीं जाता, उसके पास खाने के लिए अगर है तो वो उसको अवश्य देगा, और अगर इतना ही है कि सिर्फ वो अपना पेट भर सके, उसमें से भी किसी को अपना हिस्सा नहीं देगा, होगी पूजा। इसको बहुत ठीक, ये जो आध्यात्मिकता का वास्तविक और नगद अनुभव है, इसको रिप्लेस किस चीज ने किया है, संगठित धर्मों की तांत्रिकता, उन्होंने धर्म को ही बेदखल कर दिया। तो हमारे लोक समाज जो है वो जैसे शैडो ऑफ स्टेट के भीतर कभी नहीं,
बिल्कुल ठीक इसी तरह से वो शैडो ऑफ ऑर्गेनाइज रिलीजन के भीतर कभी नहीं थे। उन्होंने मुक्त किया, उन्होंने कहा तुम चुन, इस देश की परंपरा ने भी मुक्त किया, तुम अपना धर्म, अपनी प्रार्थना, अपनी साधना, अपना देवता, अपना तीर्थ, अपना धर्म ग्रंथ चुनने के लिए स्वतंत्र। क्या दुनिया में ऐसी इतनी स्वतंत्रता कहीं और दी गई? मुझे तो नहीं लगता, जितना मैं जानता हूं दुनिया, थोड़े जानता हूं। फतवे होते हैं, सिर कलम होते हैं, बेदखली होती है, सूलियां होती हैं, कोई मुक्त करना नहीं चाहता। वो मेरी देश था और वो मेरी ही परंपरा थी जिसने मुझे अपनी धार्मिकता तक के लिए स्वतंत्र कर दिया। दुनिया एक सच्ची आध्यात्मिकता के लिए यह स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है, और जिन समाजों को वो नहीं मिली वे कुंठित धार्मिकता के समाजों में बदल जाते हैं, जो अंततः एक दिन बर्बर होते, दूसरों पर हमला करते हैं। जो अपने को नहीं जीत पाते वे दूसरों को जीतने के लिए लगाए रहते पूरे समय। एक युवा मुझसे कह रहा था भारत ने तो कभी किसी पे हमला नहीं किया। हमने कहा जी आपको अफसोस हो रहा है क्या? कर देना चाहिए। अजीब से अफसोस। हमने कहा देखो भाई, हमारे पास ये विश्व विजय करने वाले लोग आए, ये दुनिया जीत रहे थे, तो हमने उनको देखा समझा। हमारी परंपरा हमसे ये कह रही थी कि ये धरती जो है न जीतने के लिए होती है, न हारने के लिए होती है, रहने के लिए होती है, वो भी कर्तव्य। चल मत पढ़ना, बड़ी झंझट में पड़ जाओगे। तो मैं कहा जीतने क्या, अपने आप को जीत लो। तुम ही जीतने के लिए अपने सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तुम एक सच्ची धार्मिकता में होगे जिस दिन तुम अपने क्रोध से युद्ध करोगे। तुम एक सच्ची धार्मिकता में हो गए जिस दिन तुम अपनी अपने अराजक काम को नियंत्रण में लोगे, इच्छा और वासना से संघर्ष करोगे। एक निष्कामता सजेगी तुम्हारे जीवन में, तुम एक सच्ची धार्मिकता में हो गए, और तब तुम तत्वतः ये पाओगे कि दरअसल तुम विजित हुए, और जो अपने को जीतता है किसी को भी जीतने की इच्छा उसकी क्षम जरूरत ही नहीं रहती। किसको जीतना है? लोग हिमालय पे जा रहे हैं, हिमालय चुनौती लग रहा है। प्रकृति को जीतना है, स्त्री को जीतना है, धरती को जीतना है, हिमालय पे झंडा गाड़ना है, क्या है ये सारी शब्दावली, ये मनसा, ये इच्छा, ये कामना आती कहां से? किस अहंकार के अंधेरे से पैदा हो रही? हिमालय ने तुम्हें कोई चुनौती नहीं दी, तुम्हें ही चुनौती लग रहा है हिमालय पर, अलग बात है। एक जापान में झेन मंदिर, झेन मंदिर में जिस दिन वो एवरेस्ट को पहली बार फतह किया गया तो पूरी दुनिया के मीडिया में ये आ रहा था आज एवरेस्ट पे मनुष्य की विजय हुई, झंडा फहराया गया वगैरह वगैरह जैसी भाषा। अकेला जापान का एक झेन मंदिर था जिसने एक छोटा सा पोस्टर एक जैन सन्यासी ने लगाया था, उस पर लिखा था आज पहली बार हिमालय से मनुष्य की मित्र, ये कोई बहुत बड़ा है। पर्वतों को मित्र बना, नदियों को मित्र बना, वृक्षों को मित्र बना, वनों को मित्र बना, ये देखना शुरू करो इस जगत में कुछ भी जड़ नहीं, ये हमारे योग की देशना का अद्भुत बीज है। इस जगत में कुछ भी जड़ नहीं है, बस अपनी शब्दावली को बदल लो। जब तुम चेतना में वास करोगे, तुम उसको समझना शुरू करोगे, तब तुम्हें पहली बार पता चलेगा कि दरअसल जड़ मत कहो, न्यूनतम चैतन्य, न्यूनतम चैतन्य जड़ नहीं। अब तो परमाणु ने सिद्ध भी कर दिया, परमाणु के विखंडन ने भी सिद्ध कर दिए, बाय फ्रिक्शन।
कॉन्शियसनेस वही मैटर है। तो उन्होंने वृक्षों की पूजा की, नदियों की पूजा की, पत्थरों की मूर्तियां बना के निवेदित हुई और उन्होंने कहा यही चुनौती है, अगर पत्थर को पिघला लिया अपनी प्रार्थना से तो फिर इस जगत में प्रार्थना के लिए कोई चुनौती नहीं। ये देवी जी आई और इन्हें कर रहने दो टाइम। समय अद्भुत की मिया, इस संसार में एक शिकायत है, हर आदमी कह रहा है समय समय नहीं था, आ नहीं पाए, लिख नहीं पाए, बोल नहीं पाए, कर नहीं पाए, कहां चला गया समय। सप्ताह जो है वो 6 दिन का नहीं हुआ, महीना जो है 28 दिन का नहीं हो गया, वर्ष जो है 354 दिन का नहीं हुआ, कमी कहां रही? उतने तो शिकायत ही है।